अपराध का जो ग्राफ था वो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से जो उनके तथाकथित कहे जाने वाले जंगल राज उनके द्वारा फूके गए उनके द्वारा जंगल गए जंगल राज की हकीकत यह थी कि इन 17 सालों में जितनी आपराधिक घटनाएं जो है वो हुई या मर्डर हुए खासकर व्यवसायी वर्ग को जिसके पास टारगेट करके दुकानें लूटी गई हत्याएं हुई वो रिपोर्ट पर जो जाएंगे जितनी जो 17 सालों में हवाला देते थे जंगल राज का चला रहे थे महाजंगल राज यही मोदी जी बेटी बचाओ कनारा दिया और आज जब वो मन की बात करते हैं लेकिन बेटी के तन की रक्षा नहीं कर सके जब उनके ही एमपी के द्वारा ये आरोप लगता है कि भाई इस तरीके से हमें गलत ढंग से छुआ गया प्रजातंत्र को खत्म करके संविधान को कुचल करके राज्याभिषेक करा करके राजा बनने का जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत है बीजेपी में ना आप ये समझ लीजिए कि जो उनकी तरफ है चाहे उनका विधायक हो चाहे वो उनका एमपी हो मंत्री हो जो भी बीजेपी की तरफ है उस पर तमाम दाग हो लेकिन वो उनको बेदाग रखते हैं प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाते हैं और ट्रेन लग्जरी ट्रेन चलवाने का क्रेडिट तो वो लेना जानते हैं लेकिन जब वही ट्रेन हादसा का शिकार हो जाता है और वहां पर 300 से अधिक लोगों की जान चली जाती है तो उनकी सुरक्षा कवच वाली जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ पेपर पे दिखती है और अगर जान गई तो ये प्रधानमंत्री जिन्होंने सुरक्षा कवच की बात की ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद उनको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पूर्णिया पहुंचने पर नवीन नगर कस्बा स्थित युवा राजद कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि राजद ने उन्हें महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वे 55 दिनों के बिहार दौरे पर निकली हुई है। इन 55 दिनों में वे सभी जिलों में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी, सरकार की विभिन्न योजनाओं को महिलाओं को बताकर उन्हें राजद में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेगी। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ने के सवाल पर एनसीआरबी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में 17 साल एनडीए के शासनकाल में हत्या और रेप की जितनी घटनाएँ घटी है जितना क्राइम का ग्राफ उस वक्त बढ़ा था अगर ये जंगल राज है तो वो महाजंगल राज था। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा की नीति रही है जिसके साथ गठबंधन करो उसे खोखला कर दो। भाजपा के लोग जदयू को खोखला करने का काम किया, अगर गठबंधन नहीं टूटती तो भाजपा जदयू को सांप की भांति निगल गई होती। राजद नेत्री ने कहा कि भाजपा का मकसद कभी भी बिहार और देश का विकास करना नहीं रहा है, भाजपा सिर्फ दंगों की राजनीति करना जानती है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को कुचलकर अलग ही राजतंत्र की तरह काम कर रही है। जिस संसद भवन को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन करना था लेकिन देश के राष्ट्रपति को अपमानित कर प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। इतना ही नहीं, देश के लिए मेडल जीतने वाली और देश को सम्मान दिलाने वाली बेटियां अपने सम्मान के लिए दिल्ली की सड़कों पर मार खा रही थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। रितु जायसवाल ने कहा कि मन की बात करने वाले पीएम मोदी को देश की बेटियों की तन की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश की बेटियां प्रताड़ित हो रही थी, दूसरी तरफ भाजपा के सांसद ब्रजभूषण सिंह सदन के अंदर बैठकर मुस्कुराते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के संविधान को कुचलकर हम भाजपा को नया राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पहले, और दूसरा यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अभी महिला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो मुझे जिम्मेवारी दी है, अपनी जिम्मेवारी जब आपको कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो जवाबदेही अपने आप उसमें ऐड हो जाता है, तो उसी जवाबदेही को पूरा करने के लिए उसी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आज मैं मेरा 55 दिनों का दौरा है जो कि इन 55 दिनों में मुझे सभी जिलों में जा कर के जो हमारे संगठन की मजबूती के लिए ताकि महिलाओं का भरोसा कैसे और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति बढ़े, महिलाएं और कितनी ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जुड़े, हमारे द्वारा ऐसा क्या कार्य किया जाए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाते हुए, जैसे अगर कोई महिला उद्योग के रूप में काम करना चाहती है तो उन्हें उस तरह का लोन दिला करके क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं, या किसी तरह की भी आवश्यकता है तो जो सरकार की योजनाएं हैं उनको महिलाओं को दिला करके हम किस तरीके से महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जोड़ सकते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, इसका मेन हमारा यह है कि संगठन की मजबूती को लेकर के हम सभी जिलों का दौरे पे है जो कि 55 दिनों में खत्म होगा,
जैसे अभी देखिए उद्यमी योजना की आप बात कर ले तो वो भी महिलाओं के लिए भी उसमें विशेष रूप से दिया गया है, युवाओं के लिए है और नए स्टार्टअप के लिए है। ये सारी तमाम चीज़ें तो चल ही रही हैं। अगर मैं जीविका की एकमात्र बात करूँ तो जीविका की मैं आपको बता दूँ कि आज बिहार में 1,30,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ी हुई हैं और 10,00,000 10,50,000 SHG ग्रुप बन चुके हैं और 10,35,000 के करीब बैंक लिंकेज जो डायरेक्ट बैंक से लिंक्ड है जो कि महिलाओं को लोन दे रही हैं गाय खरीदने के लिए, छोटे रोजगार के लिए 50,000 से 1,50,000 2,00,000 3,00,000 तक का समूह का जो लोन जो है, अमेरिका से कई जगहों पे 5,00,000 तक का लोन दिया गया है समूह को। तो इस दिशा में ऑलरेडी आप कहें तो एक इतना बड़ा फोर्स, एक इतना बड़ा 1,30,00,000 का जो एक फोर्स है महिलाओं का, वो ऑलरेडी महागठबंधन के साथ है, बिहार सरकार के साथ है जिस पर काम हो रहा है। उसके अलावा उद्योग मंत्री की बात अगर करें तो समीर महासेठ जी ने घोषणा करी थी कि महिलाओं को किस प्रकार से रोजगार दे करके जो महिलाओं का उसमें होगा जो डायरेक्टली जो है वो अपना ले सकती हैं उद्यमी के तहत, महिला उद्यमी के तहत वो सारे प्रावधान है। तो मेन यही है कि सारी चीज़ें हैं, उनको किस तरीके से हम उसका लाभ वाकई में महिलाओं को दिला सकें ताकि उनका भरोसा जो है सरकार के प्रति और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति, महागठबंधन के प्रति हो। देखिए वैसे तो पूरे बिहार के, लेकिन जो खासतौर पर जो कई 130 आशावादी जो जिले हैं जिसमें सीतामढ़ी भी आता है और उसमें सीमांचल के जो पिछड़े जिले हैं वो सब भी आते हैं, तो वो तमाम जिले जो हैं उनको बिहार सरकार भी इस चीज़ को देख रही है। जो जो अभी कोरोना के बाद जो सर्वे उन लोगों ने बिहार सरकार ने करवाया था तो उसमें से वैसे जिले जो ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेटेड हैं जो काम के लिए बाहर के हैं वहाँ पर खास उनके कई ऐसी योजनाएं जो हैं वो चल रही हैं जिसमें कि युवाओं को और महिलाओं को खासतौर से रोजगार देने के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो है वो बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसमें कि 15 दिन से लेकर के 3 महीने तक के ट्रेनिंग का क्रम है। इसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई मोमबत्ती बनाना अगरबत्ती बनाना अचार पापड़ तमाम तरह के, जिसमें से 100 रुपये से लेकर के 130 रुपये तक की राशि जो है वो एक दिन जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आप चूंकि किसी काम को छोड़ करके आए हैं तो उसके बदले में वो पैसे भी उन्हें दिए जाते हैं, साथ में ट्रेनिंग स्किल भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी प्राप्त होता है और उस सर्टिफिकेट के आधार पर भी आप लोन को अप्लाई कर करके आप लोन ले सकते हैं। तो ये सारे काम हैं जिसको कि धरातल पर भी उतारना उतना ही जरूरी है। इसके लिए भी राजद की महिला संगठन काम करेगी, उन महिलाओं को सपोर्ट करके उनको वो दिलाने का काम करेगी। एक कह ले कि राजद महिला संगठन को एक सिंगल विंडो की तरह लाना चाहते हैं जहाँ पे उनके आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो, ये सारी योजनाएं हैं तो सरकारी मगर उसको जमीन पर उतारना भी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए अगर हम अगर आंकड़ों पर अगर जाएं तो लोग तो कहने वाले जंगल गाने वाले तो जंगल राज का जंगल गाते ही रहते हैं, लेकिन वो तब भी गा रहे थे जब 17 सालों में NDA की सरकार थी और अपराध का जो ग्राफ था वो NCERV की रिपोर्ट के हिसाब से जो उनके तथाकथित कहे जाने वाले जंगल राज उनके द्वारा थोपे गए उनके द्वारा जंगल गाए जंगल राज की हकीकत यह थी कि इन 17 सालों में जितनी आपराधिक घटनाएं जो हैं वो हुई या मर्डर हुए, खासकर व्यवसायी वर्ग को जिस प्रकार से टारगेट करके दुकानें लूटी गई हत्याएं हुई, वो रिपोर्ट पर जो जाएंगे जो कि जो एक निष्पक्ष अगर अपना आंकड़ा प्रस्तुत करती है NCERV की रिपोर्ट पर जाए तो आंकड़ों पे बात कीजिए। क्राइम हम ये नहीं कहते कि तब नहीं था या आज बढ़ गया है, तब भी था और है, लेकिन उसको खत्म करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये जवाबदेही निश्चित तौर पर सरकार है तो हमारी बनती है, लेकिन उनकी भी बनती थी जो 17 सालों में हवाला देते थे जंगल राज पर और चला रहे थे महाजंगल राज। आज हम बच्चियों के लिए निकले हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, यही मोदी जी बेटी बचाओ का नारा दिया और आज जब वो मन की बात करते हैं लेकिन बेटी के तन की रक्षा नहीं कर सके, जब उनके ही MP के द्वारा आरोप लगता है कि भाई इस तरीके से हमें गलत ढंग से छुआ गया, उनको कई कई बच्चियां जो है देश को मेडल दिलाने वाली बच्चियां, देश को सम्मान दिलाने वाली बच्चियां, ओलंपिक मेडल लाने वाली बच्चियां, एक जन्म भी कई बार कम पड़ता है उस मेडल को लाने के लिए, उस सम्मान को दिलाने के लिए, दूसरा या तीसरा जन्म अगर ले तब जाकर के वैसा सम्मान देश को प्राप्त करवा पाती है बेटियां। और वो बेटियां जिनको पूरे देश ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया सम्मान दिलाया, अपने सम्मान के लिए सड़क पे
लात जूते खा रही थी दिल्ली की सड़कों पे, और उसी समय यहाँ पे राज्याभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। अगर वो राज्याभिषेक नहीं था तो क्यों नहीं, जिसका अधिकार था उद्घाटन पे, उनके राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया। तो आज डेमोक्रेसी को खत्म करके, प्रजातंत्र को खत्म करके, संविधान को कुचल करके, राज्याभिषेक करा करके राजा बनने का जो प्रयास किया जा रहा है वो गलत है। जहां पर कहते तो है मेडल लाने के बाद कि हमारी बेटी है, और जब उसी बेटी का तन खतरे में होता है तो ये मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री रक्षा नहीं कर पाता है, उस पर FIR तक दर्ज नहीं होता है जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है कि FIR दर्ज करो। ये दुखद है, ये दुखदाई है, यहाँ संविधान खतरे में है। और जब FIR भी हो गया तो आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होना, जबकि आप जानते हैं कि एक सामान्य, एक आम लड़की भी अगर वो माइनर है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, वो कहती है कि उसको फला ने गलत ढंग से टच किया है, छुआ है, तो सबसे पहले FIR दर्ज करना है, गिरफ्तारी करनी है। लेकिन जो बच्चियां ये आरोप लगा रही थी वो हमारे और आपकी तरह साधारण बच्चियों में नहीं थी, देश को सम्मान दिलाने वाली, ओलंपिक पदक दिलाने वाली बच्चियां थी। और आज उस देश में, इसी देश में जब हम उन बच्चियों का सम्मान नहीं रख पाए, उनको जस्टिस नहीं दिला पाए, तो आपको लगता है कि देश की बच्चियां सुरक्षित है? यह इनका सिर्फ नारा है, स्लोगन है सिर्फ इनका। BJP में ना आप ये समझ लीजिए कि जो उनकी तरफ है, चाहे उनका विधायक हो, चाहे वो उनका MP हो, मंत्री हो, जो भी BJP की तरफ है उस पर तमाम दाग हो, लेकिन वो उनको बेदाग रखते हैं, उन पर न जांच की आंच आने देते हैं न कुछ। BJP में उनका रहना ही काफी है उनको किसी भी क्राइम से बचा के रखने के लिए। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हमारे नेता जो है वो बयान दे चुके हैं, मैं प्रवक्ता भी नहीं हूँ, और ऑलरेडी जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री का बयान इस पे आ चुका है, जिसमें कि कई बातें हैं कि वो पुल जो है वो पहले से, काफी पहले से काम चल रहा था, जो कि तब हम सरकार में भी नहीं थे, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जानना चाहती थी। तकनीकी रूप से क्या चीजें हैं, वो पुल कब सेंक्शन हुई, कब बनी, क्या उसका काम जो है पिछले 3 साल या 4 सालों से चल रहा था और अब जाकर के वो पुल गया है, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगी। जो बयान आ चुका है हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, जो कि मंत्री भी हैं उस विभाग से संबंधित विभाग के, तो ऑलरेडी वो अपना बयान दे चुके हैं। बिल्कुल है, प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाते हैं और ट्रेन, लग्जरी ट्रेन चलवाने का क्रेडिट तो वो लेना जानते हैं, लेकिन जब वही ट्रेन हादसा का शिकार हो जाता है और वहां पर 300 से अधिक लोगों की जान चली जाती है, तो उनकी सुरक्षा कवच वाली जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ पेपर पे दिखती हैं, जहां वो ये कहते हैं कि 300 मीटर आगे से या 300 मीटर पीछे से ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा, गाड़ियां आपस में टकराएंगी नहीं। तो ये घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री ने अगर इसको धरातल पे उतारा होता, सभी ट्रैक के लिए, सभी ट्रेनों के लिए सुरक्षा कवच लागू किया होता, जिस तरीके से आज ट्रेनों के भाड़े जो है, लग्जरी ट्रेन के और भाड़े जो है वो फ्लाइट की टिकट को पीछे छोड़ चुका है, इस हद तक है कि आज ट्रेन में आम आदमी के भी के बस का बाहर हो गया अगर वो AC में जाकर के सफर करना चाहे। और आप अंतर देखिए, एक तरफ जो ऐसी लोकल ट्रेन या गरीबों के लिए चलने वाली ट्रेन है, वहां पर लगता है जैसे मवेशियों को ठूस दिया गया है, ये हालात है। और लग्जरी ट्रेनें हैं, उसकी कीमत तो फिर वही दे पाएगा जो उसमें सक्षम हो फ्लाइट के बराबर फेयर देने में। तो ये लोग पैसा तो लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनके नजर में जान की कोई कीमत नहीं है, नहीं तो ये इतनी जाने नहीं गई होती। और अगर जान गई तो ये प्रधानमंत्री जिन्होंने सुरक्षा कवच की बात की, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद की, उनको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे तुरंत प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि न देश में खेल मंत्री है, अगर खेल मंत्री होता तो आज बेटियों को इस तरीके से लड़ना नहीं पड़ता, न रेल मंत्री है, अगर रेल मंत्री होता तो आज यह हादसा नहीं होता, न गृह मंत्री है, अगर गृह मंत्री देश का सही होता तो आज बेटियों पर FIR, उस बलात्कारी जो आरोप लगे या जिसने टच किया गलत तरीके से या जो भी था, जो आरोप लगे उस पर पहले FIR होता। तो इस देश के अंदर न खेल मंत्री है, न रेल मंत्री है, न गृह मंत्री है, सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री बैठा है, और जो राज्याभिषेक करा करके बैठा है, डेमोक्रेसी से ऊपर, संविधान से ऊपर उसने अपने आप को मान लिया है। महंगाई का असर ये पड़ा है कि बहुत हुई महंगाई की बाहर, अब की बार मोदी सरकार 450 रुपये जब गैस का दाम था तो वो नारा लगा करके आए थे कि बहुत महंगा है, तो आज 1250 कर दिया, सस्ता करके आज उन्होंने 1250 कर दिया। तो महिलाएं तो आज गुहार लगा रही है कि मोदी जी हमको वही महंगा वाला जमाना दे दीजिए 450 में, जब हम गैस लिया करते थे। आज हकीकत यह है कि जो चूल्हे उन्हें दिए गए वो कपड़ों में बंधा करके रखा गए हैं,
और वो महिलाएं फिर से सूखे पत्तियों लकड़ियों पर आ गई हैं। आज गांव गांव में आज दोबारा जो स्थिति पहले थी, आज उस पर खाना बनाने पर मजबूर है। सरसों के तेल की दाम हो, खाद्य पदार्थ की कीमतों की दाम हो, सभी चीजों का आसमान छू रहा है। उन्होंने गरीबी खत्म करने की बात की थी मोदी जी ने, लेकिन उन्होंने गरीबों को ही खत्म कर दिया। आत्महत्या करने पर मजबूर है, भूख से मजबूर है, गरीबी से मजबूर यह देश करा रहा है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।